समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने उर्दू गेट तोड़े जाने पर प्रेस वार्ता के दौरान डीएम को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर डीएम में ताकत है तो गांधी समाधि को तोड़कर दिखाएं, जिला अस्पताल को तोड़कर दिखाएं। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गांधी समाधि की भी एनओसी नहीं है। अगर हिम्मत है जिलाधिकारी में तो आज मैं चुनौती दे रहा हूं, गिराओ गांधी समाधि। की क्या बात थी, उर्दू गेट गिरा दिया, गांधी समाधि गिराओ, उसकी भी एनओसी नहीं है। मेरी बेपनाह मेहनतों का नतीजा है गांधी समाधि आज इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट है। उसे बनाते हुए मुझे 25 बरस हो गए। गिराएं जो दोनों द्वार बने हुए हैं उसके करीब करीब। रामपुर की सड़कों की भी एनओसी नहीं, जो सैकड़ों करोड़ के नाले बने हैं आरसीसी की, उसकी भी एनओसी नहीं। तारामंडल की एनओसी नहीं है, नगर पालिका के बनाए जाने की एनओसी नहीं है, क्या क्या गिराएंगे। पार्कों की एनओसी नहीं। जब सरकारी धन कहीं लगता है तो यह माना जाता है कि यह सरकार की मंशा है और हर एनओसी छोटी पड़ जाती है उसका, कैबिनेट के डिसीजन। सारा पैसा रिलीज हुआ सरकार के खजाने से। हमसे नफरत की यह इंतहा। अस्पताल की भी एनओसी नहीं है, उसे भी गिराओ आप। जिलाधिकारी महोदय, अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर साहब हुआ करते थे। आप कलेक्टर साहब हैं, आप तानाशाह नहीं है। आप जनता के लिए हैं, आप तानाशाही का रास्ता छोड़िए। आपको जो मिशन देकर भेजा गया है ये आपका अपवित्र मिशन है। आपका कहीं ना कहीं जमीर आपको मलामत कर रहा होगा कि जो दो की जोड़ी आई है यहां, डीएम साहब एडीएम साहब, आपकी जो जोड़ी है, हम इसके बारे में भी जनता को अवगत करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमजोरों को और खास तौर से मुसलमानों को टारगेट कर रखा है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के लिए बड़े मंसूबे हैं। और सबसे बड़ा मंसूबा यह है कि रामपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में यह संदेश दिया जाए कि देखिए हम जो कहते थे वही सही। आप जरा गौर करें कि उर्दू गेट को गिराने की तारीख 6 तारीख एक संदेश देती है। ये दिल तोड़ने वाली तारीख है। इस दिन उर्दू गेट तोड़ा गया, ये कोई बहादुरी का काम नहीं हुआ, कोई शानदार काम भी नहीं हुआ, क्योंकि उर्दू की असल पहचान अगर है तो रघुपति सहाय रघुपति से है, नारायण चंद जी से है, और बड़े बड़े हिंदू लेखक प्रेमचंद, बड़े बड़े शायरों से है। इत्तेफाक यह है कि आज के इस दौर में मुसलमान बच्चे और बच्चियां अपने वालदेन को, अपने परिवार वालों को, यहां तक कर प्रेम पत्र भी अगर लिखते लिखती है तो वो भी हिंदी में। लेकिन क्योंकि उर्दू आजादी की जबान है और इसे हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह माना है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जिसने दिया, जिसे देश आजाद किया, उस जबान के नाम से बने गेट को ये कहकर गिरा दिया गया कि इसकी एनओसी